नागपुर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में आज दूसरे दिन स्टंप्स तक इंडिया बनी हुई है ड्राइविंग सीट पर। जी हाँ, जहां कैप्टन रोहित शर्मा ने शानदार 120 रनों की इनिंग खेली, वहीं रविंद्र जडेजा छाछड़ और अक्षर पटेल 52 रन पर नॉट आउट लौटे। ऑस्ट्रेलिया के 177 रनों के जवाब में इंडिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कुल 7 विकेट खोकर 321 रन बना लिए हैं और 144 रनों की स्ट्रॉन्ग लीड ले ली है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 22 साल के डेब्यूटेंट स्पिनर टॉड मर्फी ने 5 विकेट झटके हैं। कल तीसरे दिन के खेल में इंडिया और भी स्ट्रॉन्ग लीड लेकर मैच को पूरी तरह से क्लोज करना चाहेगी।